इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुजरात में एक नया प्रयोग हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के फॉर्मूले के तहत ना सिर्फ सीएम बदले बल्कि सभी मंत्री भी बदल गए। अचानक पद वापस लिए जाने की वजह से कई तरह की नाराजगी की भी खबरें आई हैं। बताया गया कि गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी खफा हैं। आज हमारे गुजरात ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर ने नितिन पटेल से सीधे सीधे सवाल पूछे। आइए आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। गुजरात में नई सरकार की रचना हो चुकी है और अब नए मंत्रिमंडल ने भी आज शपथ ले ली है, लेकिन इस पूरे एपिसोड के दौरान यदि कोई एक व्यक्ति सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहा तो वो थे पूर्व सरकार में उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, जो कि बहुत ही सीनियर नेता है पार्टी के। लगातार इस दौरान उनकी नाराजगी की खबरें चर्चा में आती रही। नितिन भाई, ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नाराज, आपकी नाराजगी की खबरें इतनी चर्चा में रही, किस बात से नाराज हैं आप? देखिए, मैं कभी नाराज था नहीं, हूँ नहीं और होगा भी नहीं, लेकिन मीडिया में कुछ न कुछ चलाने के लिए कोई अगर चालू कर देता है कि नितिन भाई नाराज है तो सब बाकी चैनल्स, बाकी प्रिंटिंग मीडिया उसको उठा लेता है। ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब ये जो मंत्रिमंडल अभी बना, हमने देखा पहली बार इतिहास में पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। हमने देखा एक भी पुराना मंत्री जो है उसको इस बार स्थान नहीं मिला है मंत्रिमंडल में। आप किस तरह देखते हैं इसको, क्या ये वेलकमिंग स्टेप है? देखिए, ये आपकी बात सही है कि पूरा के पूरा ये मंत्रिमंडल नया है। हमारे भारत के बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय किया है कि एक प्रयोग के तौर पर गुजरात में मुख्यमंत्री से लेके सभी मंत्रियों का इस्तीफा लेके नए चेहरों वाले मंत्रिमंडल की रचना की जाए। हमने सुना इसकी वजह से कई जो सीनियर मंत्री थे उनमें भी नाराजगी थी, क्या आपकी किसी से चर्चा हुई इस दौरान? देखिए, जो भी होता है वो चाहते कि हम पोस्ट पर बने रहे। कोई ऐसा बोलेगा कि मैं नहीं चाहता हूँ, ऐसा तो मैं सच नहीं समझता। मेरी भी इच्छा हो सकती है, विजय भी की इच्छा हो सकती है कि भाई मुख्यमंत्री मैं बना रहा हूँ। सबकी इच्छा होती है, जो पॉलिटिक्स में आते वो चाहते ही है कि मैं कुछ अच्छे स्थान पर बना रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, इससे आपके जो विरोधी हैं, जो अब तक हमने देखा था काफी डोरमेंट थे, उनको मौका मिल गया है बीजेपी पे तंज कसने का। आज ही हमने देखा हार्दिक पटेल का एक निवेदन आया, कार्यकारी अध्यक्ष जो है इस वक्त कांग्रेस के, कि जो भी नेता नाराज है, आपका तो नाम लेके कहा कि नितिन पटेल सहित जो भी नेता नाराज हैं वो चाहे तो कांग्रेस में आ सकते हैं, उन्हें सम्मान के साथ एक महत्वपूर्ण स्थान भी दिया जाएगा। देखिए, विपक्ष का तो यही काम रहता है कि जो शासक पक्ष है उसमें कैसे फूट डाले, उसको कैसे निष्फल बताए, सरकार को किस प्रकार से बदनाम करे, वो तो विपक्ष का काम है। वो केंद्र में हो या कोई भी स्टेट में हो, ये करना हो वो करते ही रहते हैं। अब जब हार्दिक पटेल ने ऐसा बोला है, जैसे आपने बोला, मैंने तो सुना नहीं है कि जिसको नाराजगी है वो कांग्रेस में है, तो मैं नहीं मानता कि कोई नाराज है, नंबर वन। और दूसरा, मैं बिल्कुल मक्कमता से कहता हूँ कि कांग्रेस वाले कितने भी दाने डाले, कोई बीजेपी का छोटे से छोटा कार्यकर या बड़े से बड़े नेता कभी भी कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस की नीति रीति वो देश के खिलाफ है, गुजरात की जनता को पसंद नहीं है, गुजरात की जनता को राष्ट्रीयता पसंद है, गुजरात की जनता को देशभक्ति पसंद है, गुजरात की जनता को विकास पसंद है, और ये सब बीजेपी में है, कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, बीजेपी इतना बड़ा पार्टी है कि लाखों लाखों कार्यकरों को संगठन में छोड़ के बनी है, तो बीजेपी छोड़ के मैं नहीं मानता कि कोई जाएगा। अब एक बात आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब जबकि नया मंत्रिमंडल एग्जिस्टेंस में आ गया है, थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है काफी हद तक, इनफैक्ट आज 24 में से 21 मंत्री पहली बार शपथ ले रहे हैं, पहली बार मंत्री बन रहे हैं, क्या ऐसे में उनको आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा? इतना बड़ा अनुभव है आपके पास, 30 साल से आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं। जरूर, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी फर्ज है कि जो भी मंत्री जी मेरी कोई सलाह मांगेंगे, मार्गदर्शन मांगेंगे या मुझसे कोई परामर्श करेंगे, तो मेरी पूरी
अनुभव और निष्ठा से मैं उनको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि वो सब हमारे मित्र हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे साथ उन्होंने सालों से काम किया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।